बात रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। सीएए के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले दल कभी सीए के पक्ष में थे, लेकिन राजनीतिक वजहों से आज ये तमाम दल नागरिकता कानून के विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, तो तमाम राज्य सरकारों ने सीए को लागू करने की बात भी कही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। हमारे तीन पड़ोसी देशों के वो अल्पसंख्यक दुराचार की वजह से वहां से भागकर भारत आने के लिए मजबूर हुए हैं, उन्हें इस एक्ट में कुछ मदद की गई है, रियायत दी गई है, कुछ डील दी गई है। सीएए का खुलकर समर्थन करने वाली पार्टियों ने अब इस मुद्दे पर यू टर्न ले लिया है। कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2003 में संसद में इस कानून की वकालत की थी। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ आवर कंट्रीज The minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people, to seek refuge in our country, our approach to granting citizenships to these unfortunate persons should be most liberal. सीपीएम नेता प्रकाश करात ने साल 2012 में पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिमों को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था। करात ने अपने पत्र में कहा था कि ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों की वजह से इन लोगों को अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा है। पत्र में उन्होंने बताया था कि बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के लिए नागरिकता संशोधन कानून की धारा 2(1)(b) में उचित बदलाव किए जाएं, क्योंकि शरणार्थियों में ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोग शामिल हैं। करात ने इस पत्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उन बयानों को भी बताया था जो उन्होंने इन शरणार्थियों के प्रति लचीला रुख अपनाने के बाबत राज्यसभा में दिए थे। भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो वीडियो सार्वजनिक किया था जिसमें नेता विपक्ष रहते हुए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से मांग की थी कि बांग्लादेश जैसे देशों से प्रताड़ित होकर आ रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने में हमें ज्यादा उदार होना चाहिए। खास बात यह है कि ये मांग उन्होंने संसद में यानी राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में की थी, लेकिन अब कांग्रेस ने न केवल सदन में इसका विरोध किया बल्कि वो इस मसले पर अन्य विरोधी दलों को भी सरकार के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के हैदराबाद में सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट को संबोधित करते हुए नागरिकता संशोधन कानून के बारे में कहा कि कांग्रेस ने बाहर से आए शरणार्थियों को नागरिकता ना देकर उनका अपमान किया। उन्होंने कहा कि अब नागरिकता कानून के लागू होने से उन्हें न्याय मिलेगा। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे, मगर तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि 70 साल तक इंतजार करने वाले नागरिकों को इससे फायदा होगा। नेहरू जी के दिए हुए जखम, जिसके कारण 45,000 लोगों की हत्याएं हुई जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस दोषी है उसके लिए, नेहरू जी दोषी, उसको सुधारने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आज कश्मीर में देखिए जी क्या क्या जागरूकता लोगों में आई है, क्या समृद्धि, संपन्नता आई, खुशहाली आ रही है। सीएए के आने से उन लोगों के जीवन में बदलाव आएगा जिनको नागरिकता लेने के लिए 70 साल इंतजार करना पड़ा। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि अगर एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करने वाले एक भी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है तो मैं इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएए को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक करार दिया। आजाद भारत के इतिहास में
माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सीए का कानून लाया गया, ये अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। नागरिकता संशोधन कानून सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि 70 सालों से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न सहने के बाद अपनी संपत्ति, जमीन, रिश्तेदारी सब कुछ छोड़कर आए लोगों की ये आवाज है। सीएए उन लोगों की वेदनाएं के लिए एक प्रकाश पुंज है जिन्होंने अपनी संस्कृति और धरोहर को बचाने के लिए दशकों तक अपने ही देशों में गैरों, निर्वासितों और गुमनामी का जीवन जिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ डीडी न्यूज। सीए